आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। तो अब 9 बज चुके हैं, इंडिकेटिव टिक्स आने वाले हैं और देखते हैं कि संकेत कैसे हैं। सेंसेक्स निफ्टी से तो हमने देखा था संकेत अच्छे थे और 9950 को बार बार निफ्टी टीज कर रहा था, तो निफ्टी स्पॉट खुलने के बाद क्या करता है ये देखना होगा। 9913 के आसपास निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में और सेंसेक्स इनफैक्ट अभी अपडेट होना बाकी है और साथ ही सेंसेक्स जो है वहाँ पर भी जो लेवल है आज हो सकता है फिर से एक बार अच्छे हाइस के साथ मार्केट खुले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। हमारे साथ अभिजीत पॉल हैं, आशीष चतुर्मोता हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही विकास सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। गौरांगशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज का सेशन जो है इसमें एक चीज़ जो कि मैटर करेगी गौरांग, वो है कुछ हद तक बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस या फिर कमेंट्री, बिकॉज वहाँ पर न्यूज़ फ्लो काफ़ी है और ये मॉनसून सेशन है। अगर सरकार को कंसोलिडेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो इस सेशन में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। बिसाइड्स दैट, अगर फाइनेंशियल ईयर भी चेंज करना चाहती है सरकार तो उन्हें इसी सेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल NBFCs और बैंकिंग स्पेस, इन दोनों पर इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आर यू कम्फर्टेबल विथ वैल्यूएशंस? चलिए, शायद गौरांग तक आवाज नहीं जा रही है। इस बीच रुपए की ओपनिंग हो गई है, 64.45 से सीधा 64.34 पर ये खुला है, तो मजबूती देखने को मिली है रुपए पर। 64.35 के आसपास का लेवल रुपए पर है इस समय। विकास, आप जवाब देना चाहेंगे क्या इसका NBFC और बैंकिंग पर? नहीं बिल्कुल, मैं तो NBFC और बैंकिंग दोनों स्पेस पे पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है जिस तरह का एक हम रेगुलर ट्रैक्शन देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, यहां से एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि अगस्त 2 को जो RBI की पॉलिसी आनी है उसमें भी रेट कट की बिल्कुल चांसेस हैं। जिस तरह का CPI नंबर्स आया है और जिस तरह से IIP नंबर्स थोड़े वीक है तो उसको बढ़ाने की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है बैंकिंग वुड बी अ सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। और आज पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में ICICI बैंक अच्छा लगता है, बिकॉज इनके जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के IPO की भी प्लानिंग चल रही है। और दूसरा ये जो SR स्टील और NCLT का भी जो मामला है, अगर वो SR स्टील के फेवर में जजमेंट आता है तो दैट वुड ऑल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर अ बैंक लाइक ICICI बैंक, जिनका की एक्सपोजर इस ग्रुप में ज्यादा है। तो वहां पे मेरी ये पसंद होगी। और बाकी NBFC स्पेस में भी मुझे M&M फाइनेंस करंट लेवल्स पे बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड गुड मॉनसून और L&T फाइनेंस, ये दोनों भी अच्छे लगते हैं जी। इंडिकेटिव एक्शन में अब निफ्टी 9895 के लेवल्स पर है, 9 अंक की बढ़त। लेकिन एक बार इंडिकेटिव एक्शन में देख लेते हैं IT स्टॉक्स को, स्पेशली इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इनका क्या बिहेवियर है। 0.5% ऊपर है इन्फोसिस। TCS मामूली वीकनेस के साथ 2395 के लेवल्स पर है। विप्रो के अर्निंग्स फ्राइडे को आएंगे इस हफ्ते और स्टॉक 0.4% ऊपर 270 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा प्राइस मूवमेंट जुबिलेंट फूड्स का और साथ ही ACC का, इन दोनों के नंबर्स आ जाने हैं और दोनों ही स्टॉक्स अर्निंग से पहले एक अच्छे अप मूव ले रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जुबिलेंट फूड्स के नंबर्स आने से पहले ही दो हाउसेस की रिपोर्ट आई है जिन्होंने बाय रेटिंग दी है और मैनेजमेंट चेंज के बाद जो स्ट्रैटेजी अपनाई है कंपनी ने उस पर वो काफी बुलिश है। 1250 तक के टारगेट्स डॉयशे बैंक और CLSA की ओर से आए हैं जुबिलेंट फूड्स पर, करीब 1.25% ऊपर 1178 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हर रोज फास्ट मनी शो में हम आपको 20 इंट्राडे कॉल्स बताते हैं। ये 20 इंट्राडे कॉल्स कौन सी है क्विकली देख लेते हैं वापस से। शुरुआत जो मैंने की है वो कैडिला के साथ है। आज न्यूज फ्लो स्ट्रांग है, USFDA से आंशिक मंजूरी मिली है जाइडस को एक दवा के लिए, 543 का टारगेट, 525 का एक स्टॉप लॉस। कोटक महिंद्रा बैंक खरीदेंगे तो 990 का टारगेट रखिए, 972 का एक स्टॉप लॉस। मन्नापुरम फाइनेंस पे आज का टारगेट है 105, स्टॉप लॉस 100 का लगाना होगा। बतौर EPS शेयर मैंने शामिल किया ऑटो एंड स्ट्रीट प्ले मुंजाल शोवा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है, 212 का टारगेट, 201 का एक स्टॉप लॉस। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन और ऐसे तो पैकेजिंग से जुड़े जो शेयर्स हैं वहां पर अच्छी तेजी बन रही है और ये और बढ़ सकती है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पे 480 का टारगेट रहेगा, 460 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। रिटेल सेक्टर पे अच्छी तेजी बनी लेटर हाफ में पिछले सत्र में, ट्रेंड पे आज 268 का टारगेट रहेगा, 260 का स्टॉप लॉस। फिनोटेक्स केमिकल्स और लाइका लैब्स जैसे स्टॉक्स आपको बेहतर रिटर्न्स दिला सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करें। अबाउट इंडिया पे आज आप खरीदारी कर सकते हैं। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने शामिल किया है पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंकिंग सेक्टर एक्टिव हो सकता है खासतौर से छोटे मझौले सरकारी बैंक्स, 57 का टारगेट है, 5375 का एक स्टॉप लॉस। मैक्स फाइनेंशियल के साथ मैंने शुरुआत करी है, फ्राइडे का स्मार्ट मूवर था, आज भी तेजी रह सकती है, 615 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। DCB बैंक ओवर द वीकेंड नंबर्स आए हैं उस वजह से आप तेजी कर लेके चल सकते हैं, 209 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। बंसाली इंजीनियरिंग यहां पर मुनाफा 2.2 गुना बढ़ा है, 7650 का टारगेट होगा आज के लिए। बतौर EPS डिफेंस स्पेस की कंपनी वॉल्चर नगर, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, 164 का टारगेट होगा, 155 का स्टॉप लॉस रखें।
रखें। मोलटेक पैकेजिंग क्षेत्र की जो कंपनी है वो एज एक्टिव रह सकती है। 311 का टारगेट होगा, 301 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा जो कुछ और खरीदारी के ट्रेड जो बताए गए थे उसमें टेक्समैको रेल, उसके साथ साथ जीएमआर इंफ्रा, जुबलेंट फूड। टेक्समैको रेल में 96 का टारगेट, जीएमआर इंफ्रा में 18.60 रुपए, जुबलेंट फूड वर्क्स में 1190 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और ग्लेनमार्क फार्मा में आज के लिए 698 का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। और बतौर सुपर एक और डिफेंस स्पेस की कंपनी एस्ट्रा माइक्रो, 144 रुपए का टारगेट प्राइस, 135.30 का स्टॉप लॉस रखें। तो ये वो कॉल्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज बाजार खुलने से पहले हम जिस तरह से 8 बजे बात कर रहे थे कि देखिए मार्केट का दायरा जो है ना उसे आपको ध्यान में रखना होगा। 9600 की पुट्स और 10,000 की कॉल्स, इसमें जिस तरह का कंसंट्रेशन है ओपन इंटरेस्ट का, मार्केट की जो रेंज है वो थोड़ी एक्सपांड हो गई है। और 9900 की पुट्स में भी इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है। अब आज आप देखिए निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में जो 9900 है ना उसी को बार बार टीस करा, उसके नीचे भी फैसला था। अभी सेंसेक्स एटलीस्ट 32,000 के ऊपर कुछ हद तक होल्ड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आज जो ओपनिंग है वो हो सकता है मार्केट की नर्व्स को टेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ 9900 का लेवल। आशीष, अगर ये फिसलता है 9900 के नीचे और फिर वहीं पर थोड़ा वक्त बिताता है तो आप स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहेंगे क्या अपनी? मुझे लगता है कि देखिए जब तक अब 9830 9840 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते ये बायस पॉजिटिव बना रहेगा, क्योंकि गैप पिछले दो दिन पहले गैप बना था और वो गैप को फिल करने की थोड़ी कोशिश बाजार जरूर कर सकता है। बट ब्रॉडली ये जो गैप अप है इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 9830 9840 एक अच्छे सपोर्ट बाजार के लिए साबित होंगे। जी मिस्टर सेठी, जुबिलेंट फूड्स पर क्या व्यू है आपका? नहीं देखिए, स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी एक तेजी देखी है और जिस तरह के नतीजों से उम्मीद है तो मुझे लगता है स्टॉक पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई गिरावट आती है तो खरीदारी करने का सलाह रहेगी और बाकी जिन्होंने निचले स्तर पे लिया हुआ वो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए कुछ एक स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर खबरें हैं और उसके चलते इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेट्स टेक अ लुक एट दो स्टॉक्स। एक तो एसआरसी नजर रहेगी, आज गुजरात हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है एनसीएलटी में, जो इनकी डेट है उसके अगेंस्ट में बैंक ने जो अपील की है उस पर, तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड, इस पर नजर रखनी होगी। आज एचडीएफसी लाइफ की बोर्ड बैठक है मैक्स के साथ मर्जर को लेकर और साथ ही आईपीओ प्लान्स को लेकर, तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। मैक्स फाइनेंशियल पर भी ऑब्वियसली नजर रहेगी बिकॉज ये दूसरा हिस्सा है ये जो पूरा ट्रिगर है इसका, इस पर नजर रखनी होगी। 1/4% की तेजी यहाँ पर है। डीसीबी बैंक मुनाफा जो है बैंक का अच्छा खासा बढ़ा है, खैर ये रडार पर रहा भी है और ये परफॉर्मेंस कुछ हद तक फैक्टर्ड इन है, तो इसका मूव आज देखना होगा। डीसीबी बैंक और इनके इनफैक्ट जो ग्रॉस एनपीए हैं वो घटे हैं। कर्नाटका बैंक को एक बार देख लेते हैं, रिजल्ट्स आए थे ओवर द वीकेंड। कर्नाटका बैंक यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए है वो अब 4.25% के भी पार है, Q1Q यहाँ पर स्पॉट देखने को मिला है। तो कर्नाटका बैंक ये एक काउंटर है जिस पर नजर रखनी चाहिए। और साथ ही जीएमआर इंफ्रा, इस पर नजर रख सकते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट जो है उसमें 49% स्टेक कंपनी बेचना चाहती है, खैर इन्होंने पहले भी कहा हुआ है, सो लेट्स सी जब ये डील होगी तब शायद मार्केट इसे पूरी तरह से फैक्टर इन करे। लेकिन रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट 40,000 कोच का ऑर्डर इन कंपनीज को मिल सकता है, रेलवे जो अपग्रेड करना चाहती है अपनी ट्रेन्स को उसके लिए, और ये ट्रिगर है काफी समय से मार्केट में। ग्रुप फाइनेंस और एक काउंटर है जिस पर आप नजर रख सकते हैं। ग्रुप फाइनेंस का मुनाफा हालांकि 20% बढ़ा है बट टू सम एक्सटेंट आई वुड से दिस वाज फैक्टर्ड इन, बहुत ज्यादा एक्शन हो सकता है देखने को नहीं मिले यहाँ पर। ICICI बैंक, इनकी जो सब्सिडरी है ICICI लोम्बार्ड, इन्होंने देश का पहला जनरल इंश्योरेंस के लिए DRHP फाइल कर दिया है ऑलरेडी। ICICI प्रू ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है लिस्ट होने के बाद, तो इस पर नजर रख सकते हैं आप। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। इस बीच ये सारे स्टॉक्स मैंने बताए, इसमें काफी एक्शन तो है, इसमें ICICI बैंक, इस पर इस समय अभिजीत आपका व्यू क्या है? बिकॉज यू नो एटलीस्ट द न्यूज फ्लो इज कंसिस्टेंटली पॉजिटिव अनलेस कोई रिजल्ट में नेगेटिव सरप्राइज आ जाए। वेल मीर, आई थिंक ICICI बैंक इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द ओवरऑल मार्केट इन कपल ऑफ इयर्स टू कम फॉर श्योर। इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट से ये काफ़ी स्ट्रांग है, द मूवमेंट हैव बीन एक्सेप्शनली स्ट्रांग एंड हर एक मूव के बाद इट इज ऑल्सो होल्डिंग टू इट्स हाइज। इट्स नॉट दैट कि एक नया हाई मारता है एंड नीचे 7-8% करेक्ट करके फिर बाउंस बैक करता है। इट गोज़ इनटू ट्रेडिंग मोर इन टर्म्स ऑफ टाइम दैन इन प्राइस, वेरी स्ट्रांग। आई सेंस दैट दिस रिलेटिव स्ट्रेंथ विल कंटिन्यू फ्रॉम द स्टॉक। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 300 के ऊपर सस्टेन एंड इट विल प्रॉबेबली मूव फर्दर अप। डेफिनेट यू नो वॉच आउट टू बाय ऑन अ डिप फॉर श्योर।
वीकली मंथली या फिर डेली चार्ट में एज सच कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है. सो आई सेंस दैट ये जो रैली और ये मोमेंटम है ये आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा. शुक्रिया आशीष आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए. एक बार देख लेते हैं रीसेंट लिस्टिंग्स को जहां पर हमने क्रेजी रन अप देखा है पिछले कुछ समय में. फ्राइडे के सेशन में मुनाफा वसूली इन स्टॉक्स में हावी हो रही थी. सीडीएसएल इंडिकेटिव एक्शन में 3% नीचे. एयू स्मॉल फाइनेंस हुडको इन स्टॉक्स की भी जो शुरुआत है वो नेगेटिव बायस के साथ ही अभी इंडिकेटिव एक्शन में दिख रही है. 1.5% नीचे एयू स्मॉल फाइनेंस है. गौरांग ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में जो क्रेजी रनअप हमने देखा विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसके बाद अभी रिकमेंडेशन आपने क्या दी है अपने क्लाइंट्स को इन स्टॉक्स को अभी भी होल्ड रखें या फिर इस अपमूव के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें और थोड़ा कॉशियस रहें. दीपाली थोड़ा नहीं काफ़ी सारा मुनाफा बांधने की हम राय देंगे और नया निवेश तो इतने ऊपर के दायरे देखने के बाद इस स्तर पर तो जोखिम है और लाजमी है कि आप मुनाफा बांध करके यहाँ से निकल जाए. एज अ डिस्क्लोजर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सीडीएसएल पर आईपीओ नोट द्वारा आप ही के चैनल पर और हमने हमारे क्लाइंट्स को निवेश की राय दी थी. लेकिन जिस तरीके से एक हफ्ते में ये सब स्टॉक्स ऊपर गए हैं जाहिर है थोड़ा बहुत नहीं काफी सारा मुनाफा बांध लेना चाहिए. जी अभिजीत मिड कैप बैंकिंग से कोई और स्टॉक आप पिक करेंगे? हमने डीसीबी बैंक कर्नाटका बैंक की बातचीत की थी लेकिन कुछ छोटे बैंकों में अच्छा मूव था फ्राइडे के सेशन में. इंडियन बैंक कैनरा बैंक ये स्टॉक्स भी इंट्राडे हाईस पर ही क्लोज हुए थे और कैनरा बैंक के तो इस हफ्ते अर्निंग्स भी आने हैं और अगेन डिसेंट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं. ये कैनरा बैंक स्पेसिफिकली आपको चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? दीपाली कैनरा बैंक का मूवमेंट तो चालू हो चुका है एंड इट्स ऑलरेडी इन द मूव. केटीके बैंक के बारे में हम लोग सुबह बात कर रहे थे बट आई सेंस केटीके बैंक में मूव अभी बाकी है. इट्स अबाउट टू स्टार्ट इट्स मूव. So risk reward point of view, from a point of view, if you want to enter into a fresh trade, I think KTK Bank stands out better. Canara Bank ka trend across all time frames up hai, it's holding well. Short term jo resistance band hai close to the 365, 368, 369 zone, exactly wahin pe close hai. But I sense keeping in mind jis tarah se ye bounce back kiya, it will extend further up and upar ke taraf levels nikal ke aate hai close to the 390 for the stock. इस बीच एक बार देखते हैं 9908 पर निफ्टी रुका है इंडिकेटिव टिक्स में और स्ट्रेंथ जिन स्टॉक्स पर देखने को मिल सकती है एक बार देख लेते हैं. सेंसेक्स भी 32,000 के ऊपर ही रुका है. निफ्टी बैंक जो है वो प्री ओपन में अपने नए हाई पर रुका हुआ है. विप्रो पर 2.5% का मूव लेकिन ऑपरेशनली हो सकता है कंपनी को बहुत बड़ा सरप्राइज ना दे इस बार रिजल्ट्स में. एक्सपेक्टेड लाइंस पर रह सकता है या फिर टू सम एक्सटेंट टीसीएस जैसा. लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो बायबैक का ट्रिगर है वो प्ले कर रहा है इस काउंटर पर. ओएनजीसी 1% ऊपर है. वेदांता जी एंटरटेनमेंट ये कुछ इन काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल सकती है. साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि मजबूती दिखा रहे हैं. नुकसान जिन स्टॉक्स पर है या फिर प्रेशर जहां पर रह सकता है इसमें आईटीसी ये करीब 0.5% से ज्यादा नीचे है. साथ ही गेल अदानी पोर्ट अल्ट्राटेक सीमेंट और डॉक्टर रेड्डीज इस पर आपको नजर रखनी चाहिए. ये लाल निशान में है. एक बार सिगरेट स्पेस के या फिर टबैको स्पेस के सारे ही स्टॉक्स को देख लेते हैं. आज जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक जीएसटी रोल आउट के बाद होने वाली है. हो सकता है इसमें एडिशनल सेस लगाने को लेकर चर्चा हो पूरे टबैको स्पेस पे. अगर ये होता है तो विच वे दिस एंटायर पैक कैन स्विंग अभिजीत? वेल those are triggers mihir that can make or break the price but keeping in mind ki itc ka jo long term trend hai and jis hisab se the stock has moved further there is no doubt that the outperformance of the stock is there and probably outperformance rahega bhi. Dekh, we can have knee jerk reactions on and off but from a long term point of view itc's price structures suggest the fact that the rally that this rally is likely to continue. Sadly, I do not track any of the other tobacco stocks in the market, so I will not be able to comment on that. West Coast paper, आज का today's trade indicative action में 4.25% की मजबूती लेकर open होने की तैयारी में है. 215 के targets हैं intraday के लिहाज से और 190 का stop loss आपको maintain करना है. लेकिन indicative action में कुछ वो stocks cash segment के जहां पर with volumes अच्छी opening हो सकती है उस कैटेगरी में एक भंसाली इंजीनियरिंग है. ये खबरों में है स्टॉक इसीलिए वॉल्यूम्स अच्छे हैं शुरुआती 8% ऊपर ये स्टॉक. तलवर्कर्स आचीज ये कुछ और शेयर्स हैं जिनकी शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ हो सकती है. बिल्कुल तो चलिए एटलीस्ट कम से कम निफ्टी बैंक पर उम्मीद की जा सकती है कि आज एक अच्छी और रिकॉर्ड ओपनिंग देने की तैयारी निफ्टी बैंक ने कर ली है. ये रुका है 24,000 के पार 24,011 के लेवल पर. सेंसेक्स 33 पॉइंट ऊपर रुका है 32,053 के लेवल पर और साथ ही निफ्टी रुका है 22 पॉइंट ऊपर 9908 के लेवल पर.
जो मिड कैप इंडेक्स है वो भी करीब 1/4% ऊपर रुका है, यानी 50-60 अंकों की तेजी यहाँ पर। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरली जो देखें बाजार का सेटअप ठीक है और खुला भी मजबूती के साथ 19 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला है, अब 9905 पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स 62 पॉइंट ऊपर है, 32078 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मिड कैप इंडेक्स 64 पॉइंट ऊपर है, यानी 1/4% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर है, और निफ्टी बैंक रिकॉर्ड लेवल पर ओपन होते हुए 24,011 पर ये खुला है, 24,000 के पार निकला, 24,018 तक गया और अभी भी 23,990 के आसपास ये ट्रेड करते हुए, तो 46 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक पर देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड लेवल्स पर निफ्टी बैंक की ओपनिंग होते हुए, और निफ्टी 16 पॉइंट ऊपर 9902 पर, सेंसेक्स 60 पॉइंट ऊपर 32,080 के लेवल पर ओपन होते हुए, मिड कैप जो है वो करीब 60 पॉइंट ऊपर 18,337 के लेवल पर। एक बार गेनर्स को देख लेते हैं, निफ्टी के जो गेनर्स हैं उनको, देन विल टेक अ लुक एट निफ्टी बैंक गेनर्स। विप्रो आज का टॉप गेनर है निफ्टी का, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर 266 का लेवल, इन्फोसिस 1% ऊपर 982 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए, टाटा मोटर्स है जो कि 1% ऊपर है 455 के लेवल पर, सिप्ला है, सन फार्मा है, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती है, ONGC करीब 0.25% ऊपर है 392 के लेवल पर, 392 के लेवल पर टेक महिंद्रा ट्रेड करते हुए, और साथ ही टाटा स्टील, ACC ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती है, ल्यूपिन है जो कि अच्छी मजबूती दिखाते हुए 1146 का लेवल ल्यूपिन पर देखने को मिल रहा है, और ACC करीब 0.5% ऊपर, NTPC और एक काउंटर है जो कि हरे निशान में ट्रेड करते हुए। लूजर्स को देख लेते हैं, वो काउंटर्स जो लाल निशान में इस समय है, इसमें ITC आज का टॉप लूजर है 2.5% नीचे ITC इस समय ट्रेड करते हुए, साथ ही गेल ये 387 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इंडसइंड बैंक ये करीब 0.5% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए, और साथ ही TCS ये करीब 0.5% नीचे इस समय, इंडसइंड बैंक और एक काउंटर है जो कि लाल निशान में ट्रेड करते हुए। एक बार देख लेते हैं मिड कैप का हाल भी, मिड कैप के वो शेयर्स जो कि बढ़कर खुले हैं आज के सेशन में, यानी मिड कैप गेनर्स, और IGL 0.3% ऊपर है, गुरुग्राम में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप करने के लिए अप्रूवल मिला है कंपनी को, तो पॉजिटिव न्यूज मिला है, सीरियस स्टॉक मजबूत खुला है, एलेम्बिक फार्मा ये भी 2.25% ऊपर है, कैडिलैक नई दवा को अप्रूवल मिला है USFDA की ओर से, और फ्राइडे को भी आखिरी मिनटों में चला था 2% ऊपर अभी ओपन हुआ है, जुबिलेंट फूड्स अर्निंग्स आज हैं और उससे ठीक पहले अब मूव कंटिन्यू होता हुआ, और इनफैक्ट GST जब से रोल आउट हुआ 1 जुलाई से अब तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 24-25% चल चुका है, टॉरेंट फार्मा, CESC, स्पार्क, इंडियन होटल, नेटको फार्मा, कुछ और शेयर्स हैं जो कि 1% से लेकर 1.5% तक की मजबूती दिखा रहे हैं, DCB बैंक नंबर्स का इम्पैक्ट, स्टॉक 0.1% ऊपर अभी ओपन हुआ है, कैनरा बैंक के नंबर्स वेडनेसडे को हैं, उससे ठीक पहले स्टॉक में एक अच्छा मूव रहा भी है, आज भी ऑलमोस्ट 1% की स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक ओपन हुआ है। एक बार देख लेते हैं मिड कैप के लूजर्स भी, वो शेयर्स जो कि वीक हैं आज के सेशन में, और टाटा एलेक्साई, बायोकॉन, GE शिपिंग, लैंड स्पार, इन स्टॉक्स की कमजोर शुरुआत हुई है, 1% से लेकर 1.5% की वीकनेस इन स्टॉक्स में देखी जा रही है, GSK कंज्यूमर, NHPC, रामको सीमेंट, ये कुछ और लूजर्स हैं। एक बार देख लेते हैं प्रसाइसली चार स्टॉक्स को जहां पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट है, कर्नाटका बैंक, भंसाली इंजीनियरिंग, DCB बैंक, इन स्टॉक्स की शुरुआत कैसी, और ग्रे फाइनेंस, चारों के ही नंबर्स अगर देखें तो कर्नाटका बैंक की एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिट्रॉइट हुई जिसकी वजह से नेगेटिव रिएक्शन है, और आशंका थी भी कि ये कमजोर ओपन हो सकता है, 0.2% नीचे 162 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, बंसाली इंजीनियरिंग नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्टॉक 3% ऊपर है 7620 के लेवल्स पर, इसके अलावा ग्रे फाइनेंस और साथ ही DCB बैंक, इन दोनों स्टॉक्स की भी जो ओपनिंग हुई है, ग्रुप फाइनेंस 2.5% नीचे, नंबर्स हालांकि ठीक रहे लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, और डीसी बैंक करीब 0.1% की मजबूती दिखा रहा है 203 के लेवल्स पर। एक बार देख लेते हैं एल्कम लेबोरेटरीज को भी, वहां पर खबर पॉजिटिव थी आज के सेशन में, और स्टॉक करीब 2.5% ऊपर खुला है 1827 के लेवल्स पर। एक बार देख लेते हैं कैश के वो शेयर्स जहां पर शुरुआत विद वॉल्यूम्स अच्छी हुई है, उसमें एक स्टॉक रहेगा आज के सेशन में वेस्ट कोस्ट पेपर, आप इनफैक्ट देख लीजिए अब 5.5% ऊपर है, ये आज का टुडे ट्रेड है, शुरुआत अच्छी हुई है और स्टॉक अब करीब 5.5% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक बार पूरे ही टोबैको स्पेस को एक बार फिर से देख लेते हैं, हालांकि आज की जो मीटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है GST काउंसिल की, 2.25% नीचे ITC 329 के लेवल्स पर, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 1% नीचे है 1250 के लेवल्स यहाँ भी देखे जा रहे हैं, और इसके अलावा बाकी टोबैको शेयर्स देखें तो वो भी बिल्कुल फ्लैट हैं, VST इंडस्ट्रीज 3610 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी अब 9905 के लेवल्स पर है, और ITC एक स्टॉक है, हैवीवेट स्टॉक है जो कि इंडेक्स पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है आज के सेशन में। बिल्कुल, खैर देख लेते हैं अब निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं, आज रिकॉर्ड लेवल पर खुला था, 24,000 के पार निकला था, इस समय निफ्टी बैंक 23,990 के आसपास है। निफ्टी बैंक के गेनर्स को देख लेते हैं एक बार, निफ्टी बैंक के जो गेनर्स हैं इसमें
आईसीआईसीआई बैंक है 1% ऊपर, कोटक महिंद्रा है, आईडीएफसी बैंक और साथ ही यस बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि गेंस दिखा रहे हैं। कैनरा बैंक और एक काउंटर है जो कि मजबूती में है, एसबीआई थोड़ा सा अब फ्लैट है इस समय, लेकिन ओवरऑल ठीक है रुझान मार्केट का। 9900 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है और 32100 के आसपास सेंसेक्स। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप गौरांग? वेल, ओपनिंग तो पॉजिटिव है और 9900 का एक नया शिखर मुकम्मल किया है हमने मीर, लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि नतीजों के आधार पर और जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन चलेगा, आई थिंक खबरों में थोड़ा बहुत रह सकता है बाज़ार, और मुनाफा है छोटी मध्यम अवधि का नज़रिया है तो ऊपर के तरफ के दायरे में मुनाफा बांधने की भी हम कवायद देंगे। करेक्शन जो भी हम देख रहे हैं मिहिर, इतना गहरा करेक्शन नहीं आ रहा है और हर एक निचले स्तर पर हम खरीदारी आते हुए देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलता रहेगा और अगर कुछ हावीपन होता है बाज़ार में और थोड़े बहुत और गहरे आपको आंकड़े देखने मिलते हैं नीचे की तरफ तो लंबी अवधि के नजरिए से निवेश की कवायद होगी। जी, एक बार देख लेते हैं फिर से एयू स्मॉल फाइनेंस, सीडीएसएल और हुडको जैसे शेयर्स को, जो कि जहां पर एक तेज मुनाफा वसूली हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी, इंडिकेटिव एक्शन में भी ये स्टॉक वीक थे और अभी एयू स्मॉल फाइनेंस करीब 1.5% नीचे ओपन हुआ है। सीडीएसएल 4.25% नीचे 383 के लेवल्स पर है। हुडको की भी जो शुरुआत है वो नेगेटिव बायस के साथ ही अगेन 1.5% नीचे ये स्टॉक भी 8920 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। वेस्ट कोस्ट पेपर को एक बार देख लेते हैं, आज का टू डे ट्रेड अच्छी ओपनिंग हुई है स्टॉक की भी और 204 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है करीब 4.5% की मजबूती लेकर। 210 तक के टारगेट्स आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से स्टॉक में दिए गए हैं। लेकिन अभिजीत, एसीसी और विप्रो ये दोनों स्टॉक्स अच्छा मूव कर रहे हैं आज के सेशन में भी, एक के अर्निंग्स आ जाएंगे और एक के फ्राइडे को, लेकिन अभी टेक्निकली क्या व्यू है दोनों शेयर्स पर? दीपाली, एसीसी का जो मूवमेंट था लास्ट दो हफ्ते से, इट्स बीन एक्सेप्शनल। अंडरलाइंग ट्रेंड एसीसी का कंपेयर टू दैट ऑफ विप्रो काफ़ी स्ट्रांग है, सिटिंग लाइफ हाइज। विप्रो हैज़ ओवरहेड रेजिस्टेंस जो उसको डील करना चाहिए, बट कीपिंग इन माइंड अगर आप यू आर लुकिंग टू एंटर इन टू अ ट्रेड राइट नाउ, आई डोंट सेंस कि एसीसी में इस प्राइस पे एंटर करने का कोई मतलब बनता है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग यू विल बी यूजिंग अ स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस विल बी वाइड। ऑन दी अदर हैंड विप्रो अपने मूविंग एवरेजेस के पास है, सपोर्ट्स आर नियर क्लोज टू दैट 260 मार्क, ऊपर में 268 270 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। 270 के ऊपर मूवमेंट आता है देन वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम ऑन दी अपसाइड। सो क्लोज वॉच फॉर विप्रो टू मूव अबव 270 मार्क। एज आई मेंशन्ड, विप्रो में ओवरहेड रेजिस्टेंसेज है, सो द ट्रेड विल बी मोर शॉर्ट टर्म इन नेचर। वी कैन ट्रेड अ ब्रेकआउट इन विप्रो एंड फॉर एसीसी वी शुड वेट फॉर अ प्राइस डिप। ऑल राइट, इस बीच एक बार मैस्टेक को देखते हैं, इसने पिछले हफ्ते भी अच्छा मूव दिया था, आज भी देखिए 5% ऊपर मैस्टेक 300 के पार इस समय ट्रेड करा है, 301 के लेवल पर। और इनफैक्ट साथ ही मजेस्को को भी अगर हम देखें, मजेस्को भी अच्छा मूव, पिछले हफ्ते भी मजेस्को ने अच्छा मूव दिया था, तो ये दोनों साथ में चलते हैं। मजेस्को आज देखिए करीब 1/4% ऊपर है, पर ये जनरली दोनों अच्छा मूव करते हैं। और एक काउंटर इस पर बात कर लेते हैं, वो है एसआर शिपिंग, और क्योंकि आज भी हियरिंग है तो ये लिस्टेड एंटिटी होने की वजह से इसमें काफ़ी एक्शन देखने को मिलता है। अब अगर किसी वजह से जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है वो एसआर के पक्ष में जाता है गौरांग, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये बैंक्स के लिए नेगेटिव होगा और एसआर शिपिंग आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ से? देखिए मीर, जो बयान आरबीआई ने दिए हैं इस मामले में और जिस तरीके से स्पष्टीकरण दिया है, विशेष रूप में मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा किसी एक कंपनी पर, लेकिन ये जो पूरी एक दर्जन कंपनियां हैं, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो कर्तव्य है वो निभाया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती, और कंपनी का भविष्य, शेयरधारकों का भविष्य और कंपनी में जो कामकाज कर रहे हैं लोग उनका भविष्य और भी सुरक्षित और निश्चिंत रहता। अब तकलीफ ये है कि किस ढांचे में इन्होंने अपने केस को सामने रखा है। अनफॉर्चुनेट है मिहिर, बिकॉज अगर किसी तरह की हाईकोर्ट से इनको रियायत मिलती है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है रिकवरी की, ये मेरे ख्याल से कुछ हद तक पीछे धकेल दी जाएगी। और हिंदुस्तान में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब भी कोर्ट कचहरे में जाकर मामला खड़ा होता है तो तारीख पे तारीख गिर जाती है और काफ़ी लंबा समय लगता है किसी तरह का
निर्णायक तरीके से यू नो एक डिसीजन आना जी। अभिजीत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इस बीच दो स्टॉक्स आप देखिए ONGC और HPCL, और पिछले हफ्ते का जो ट्रेंड है वो इन दोनों स्टॉक्स में रिवर्स हुआ है। स्पेशली पिछले जो तीन ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें HPCL कांस्टेंट मूव कर रहा था, ONGC लेगार्ड कर रहा था। अभी हालांकि HPCL रिकवर हो गया है लोअर लेवल से, लेकिन मामूली बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। इस तरह के रिपोर्ट्स भी हैं कि जो सरकार का स्टेक है HPCL में, उस स्टेक के लिए ONGC को प्रीमियम प्राइस शायद पे नहीं करना पड़ेगा। स्टॉक आज करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड भी पिछले हफ्ते चला, तो वो भी एक एडेड फैक्टर है। लेकिन मिस्टर सेठी, आपका व्यू क्या है अभी इस मर्जर की खबर के बीच में ONGC, HPCL और MRPL पर भी, इनफैक्ट आपके कॉमेंट्स क्या है? देखिए, जहां तक ONGC HPCL के मर्जर का सवाल है, तो इनके जो स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है वो जिस तरह के न्यूज फ्लोज आते रहेंगे उस पर डिपेंडेंट रहेगा। जैसे हमने पिछले तीन दिनों में देखा HPCL वॉज आउट परफॉर्मिंग, बट आज ये जो खबर आप बता रहे हैं कि HPCL के स्टेक के लिए ONGC को प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा, तो उसके कारण से अब आज ONGC पॉजिटिव है। तो इन जो अटकलों के बीच आई वुड अवॉइड ट्रेडिंग इन दीज स्टॉक्स। और जहां तक MRPL का सवाल है, मुझे वो स्टॉक अच्छा लगता है और मुझे लगता है इन लेवल्स पे उस पर खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, एक बार मार्केट की ब्रेथ को देख लेते हैं। ओवरऑल आज स्ट्रक्चर जिस तरह का है, रुझान जिस तरह का है मार्केट में, भले ही बायस पॉजिटिव हो, लेकिन ऑब्वियसली कोई रन अवे मजबूती देखने को नहीं मिली है मार्केट में। बढ़ने वाले काउंटर्स 900 के आसपास हैं, नुकसान वाले 427 के आसपास, लेकिन थोड़ा देखना होगा, थोड़ा वक्त इन्हें देना पड़ेगा कि थोड़ा और एडवांस होने के बाद मार्केट ये जो रेशियो है क्या थोड़ा सा इवन हो जाता है, जो कि उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन सेक्टोरली अगर आप देखें मार्केट को, मिड कैप में तेजी है, निफ्टी बैंक में तेजी है, फ्रंटलाइन इंडाइसेस में तेजी है, स्मॉल कैप जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी करीब 1/4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, जो कि कुछ हद तक मार्केट के नर्व्स को होल्ड भी कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। एक बार देख लेते हैं लिकर स्पेस के स्टॉक्स को, स्पिरिट स्पेस के। आज हालांकि एक काउंटर है जो कि कैश में ठीक ठाक बाइंग देख रहा है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छी नहीं है, वो है औरंगाबाद डिस्टिलरीज। लेकिन बाकी जो लिकर स्पेस के स्टॉक्स हैं, चाहे वो USL हो या फिर यूनाइटेड ब्रुअरीज, इनफैक्ट और इस पर हमने पिछले हफ्ते देखा भी था, रुझान थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव था कंपेयर टू USL, ये करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। यूनाइटेड ब्रुअरीज आपको कैसा लगता है विकास? नहीं, जहाँ तक यूनाइटेड ब्रिवरीज का सवाल है, बहुत ज़्यादा क्लोजली मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, तो उस पर राय देना थोड़ा मुश्किल होगा। बट यूनाइटेड स्पिरिट्स पे मुझे लगता है जिस तरह के जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, जो हाईवेज को लेके भी जो अभी रिसेंटली एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया है, तो उसके लिहाज से मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स में लगता है इन लेवल से थोड़ी और स्पाइक आ सकते हैं। जी गौरांग, दो स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए। एक तो कैडिला, जो कि पिछले सेशन में भी चला था, एक नई दवा को अप्रूवल भी मिला है USFDA से और 12 रुपए ऊपर ट्रेड भी कर रहा है अभी ओपनिंग के बाद। और दूसरा IGL, यह हरियाणा सरकार से इनको परमिशन मिली है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करने के लिए गुरुग्राम में, 2.5% ऊपर ये भी है। दोनों पर आपका क्विक कमेंट। गौरांग, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आपसे रिकनेक्ट करेंगे। मिस्टर सेठी, आपके कमेंट्स कैडिल और IGL दोनों पर? देखिए, कैडिला तो आज मेरी जो पिक्स मैंने भेजी थी बाजार खुलने के पहले उसमें था, और मुझे लगता है जो कल एक USFDA से अप्रूवल की जो खबर है JDS कैडिला के लिए, वो डेफिनेटली पॉजिटिव और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, स्टॉक अच्छा है। और जहां तक IGL का सवाल है, ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का गुड़गांव में भी जो इनको काम मिल रहा है, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। और स्टॉक में या इस जो स्पेस की कंपनियां हैं वहाँ पे विदेशी निवेशक और घरेलू भी निवेशक का सब इंटरेस्ट है, बोथ MGL और IGL दोनों ही अच्छी स्टॉक्स है, और मुझे लगता है दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और IGL इस न्यूज के चलते मुझे लगता है पॉजिटिव ही रहना चाहिए। वो प्रेशर में है, वो प्रेशर की जाहिर सी वजह है, एक तो ITC जो कि ड्रैग कर रहा है इसे, करीब 1.5% नीचे है, और साथ ही और कुछ काउंटर्स भी हैं स्पेस के जिसमें वीकनेस है FMCG के, जैसे वेंकीज है वो नेगेटिव है। सो सारी जो FMCG इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उसे अगर आप देखेंगे ना, तो एक दो काउंटर्स हैं जो कि आज मार्केट पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली रिकॉर्ड हाई पर, हालांकि मार्जिनल है, लेकिन एक नया हाई बना है निफ्टी पर। आज इसने 9914 का हाई हिट किया है अभी अभी, यानी करीब 25-26 अंकों की मजबूती इस समय है। विप्रो, टाटा मोटर्स, ONGC, जील और इन्फोसिस, ये गेंस दिखा रहे हैं।
साथ ही वेदांता, अदानी पोर्ट और बीपीसीएल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। ये बीपीसीएल आपको कैसा लगता है विकास? बीपीसीएल भी वैसे एक अच्छा स्टॉक है और अगर ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल से बीपीसीएल वुड बी द स्टॉक अमंग द जो ये तीनों स्टॉक्स है आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में मेरी जो पसंद रहेगी वो बीपीसीएल रहेगी। मुझे स्टॉक अच्छा लगता है जी। देखिए बीपीसीएल अब करीब 1% के स्ट्रेंथ के साथ इंटरडे हाइस पर ही 465 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। गौरांग शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी बातचीत करने के लिए। और विकास आपका भी शुक्रिया। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कोटिंग एमसी से, पंकज टिब्रेवाल हमारे साथ हैं। पंकज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पिछला हफ्ता इंडियन इक्विटीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, सीपीआई के नंबर्स अच्छे रहे, आईपी के नंबर्स जैसे आए हैं उसके बाद होप सब काफी रेज हो गई हैं अगस्त मीटिंग में रेट कट को लेकर। और अब जो ध्यान रहेगा मार्केट्स का वो रहेगा अर्निंग्स पर और ये हफ्ता अर्निंग्स के लिहाज से भी काफी क्रूशल रहेगा। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स पर अगले एक से दो दिनों में 10,000 का लेवल? एक दो दिन का कॉल लेना बहुत मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म में हम इक्विटीज़ पर जैसे हमारा कॉल रहा है काफ़ी लास्ट 3-4 सालों से कि हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, बट नियर टर्म में हमें लगता है कि मार्केट काफ़ी शार्पली रैली कर गया है और कई पॉकेट्स में वैल्यूएशन कंसर्न हैं। कई स्टॉक्स बहुत शार्प अर्निंग्स रिकवरी या अर्निंग्स ग्रोथ फैक्टर इन कर रहे हैं जो हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके सारे इन्वेस्टर्स और आपके व्यूअर्स को हम सलाह देंगे कि थोड़ा कॉशियस रहे, अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन करके रखें, एक साथ लमसम की तरह इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि यहाँ पर आज रिस्क रिवॉर्ड के नियर वेरी शॉर्ट टर्म में देखें तो अपने अगेंस्ट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अगर रियली इन्वेस्टमेंट करना है तो नेक्स्ट 3-4-5 साल के होराइजन के व्यू से इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि कई जगह रैली बहुत शार्प हुई है और हमें लगता है कहीं ना कहीं एक करेक्शन या कंसोलिडेशन ओवरड्यू है मार्केट के अंदर। नहीं, ये करेक्शन या कंसोलिडेशन की बात आपकी सही भी है। अब पंकज, इसमें एक जोकर इन द पैक कुड एक्चुअली बी द बैंकिंग स्टॉक्स। आज 2-3 खबरें भी हैं इस पर कि एक तो सरकार 21 PSUs जो हैं उन्हें मर्ज करके अल्टीमेटली 12 PSUs बना सकती हैं जिसमें 2-3 काफ़ी बड़ी साइज के होंगे भी, एक तो ये है। देन ऑब्वियसली द अर्निंग्स विल प्ले इट्स पार्ट, इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक इज ऑल्सो रिपोर्टिंग अर्निंग्स दिस वीक। और प्राइवेट स्पेस जो है उसमें और PSU बैंक्स में अभी भी वैल्यूएशन का गैप अच्छा खासा है, तो बैंक्स पर आपका व्यू क्या है? बिकॉज देन यू नो वो एक सेफ्टी नेट दे सकता है मार्केट को इन टर्म्स ऑफ डाउनसाइड। तो अगर आप खाली पूरे फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पर कपल ऑफ थीम्स बहुत पावरफुल थीम्स है जो हम लास्ट 1.5-2 साल से देख रहे हैं, बट आने वाले नेक्स्ट 3-4 साल में ये और पावरफुल हो सकते हैं। पहला थीम है जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है बिटवीन फ्रॉम PSU टू प्राइवेट। अगर कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूं तो काफ़ी आश्चर्यजनक है। अगर आप स्टॉक लेवल पर देखो तो मार्केट शेयर आज के दिन प्राइवेट का करीबन 24-25% है लोन में और PSU का कभी करीबन 74-75% है। लेकिन अगर लास्ट आप पूरे साल में फ्लो बेसिस इंक्रीमेंटल बेसिस पर देखो तो ये 100% मार्केट शेयर था इन फेवर ऑफ प्राइवेट बैंक्स। सो क्लियरली ये जो मार्केट शेयर शिफ्ट फ्रॉम PSU टू प्राइवेट ये आज के दिन रियलिटी है और कई सारे PSU बैंक्स जो हम देख रहे हैं स्पेशली द लोअर रंग्स उनमें कैपिटल की प्रॉब्लम है, NPA की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है और टैलेंट की प्रॉब्लम है, तो क्लियरली वहाँ मार्केट शेयर लूज हो रहा है। सेकेंड जो पावरफुल थीम है फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो फिजिकल टू फाइनेंशियल सेविंग्स की जो ट्रेंड है वो काफ़ी पावरफुल है और इसके कारण जो भी इंश्योरेंस कंपनीज और आप सून देखेंगे इस साल में प्रॉब्ली म्यूचुअल फंड कंपनीज या आपके ब्रोकरेजेस या वेल्थ मैनेजमेंट या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये वाला थीम भी काफ़ी पावरफुल है। तो हमें लगता है फाइनेंशियल्स को एक होलिस्टिक अप्रोच से अप्रोच करना चाहिए और बैंकिंग उसमें ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और हमारा ये कॉल है कि सिलेक्ट NBFCs और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर ही अपना ओवरवेट पोजीशन बनाए रखें। जी, तो सिलेक्ट NBFCs और प्राइवेट बैंक्स पर कन्विक्शन है पंकज का, यहाँ पर पोजीशंस बनाई जा सकती हैं तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन
इस हफ्ते के लिए इंडेक्स पर 10,000 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और जैसे कि अब तक हमने बातचीत की भी, मिहिर हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, डेरिवेटिव एक्सपर्ट्स थे, वो भी यही मानते हैं, और इनफैक्ट मिस्टर सेठी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 10,000 का लेवल 102 दिन में अचीव हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि कौन से स्टॉक्स इस तेजी को लीड करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स सपोर्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ तो सेटअप ठीक ही लग रहा है, ग्लोबल हो या फिर डोमेस्टिक फ्रंट पर। इनफैक्ट संदीप मौजूद भी है डिटेल्स लेकर। संदीप, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से ट्रिगर्स है इस हफ्ते के लिए जो कि इंडेक्स को हेल्प करेंगे 10,000 या फिर उसके बियॉन्ड जाने में। देखिए, डोमेस्टिक ट्रिगर्स ज्यादा अहम है इस हफ्ते क्योंकि अर्निंग सीजन शुरुआत हो रहा है। इंफोसिस टीसीएस के नंबर्स हमने देख लिए, लेकिन अब जो मेन नंबर्स हैं जो कि इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं, इसमें एसीसी की बात कीजिए, एचयूएल, बजाज ऑटो, आरआईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके नंबर्स आएंगे और नंबर से अच्छे नंबर्स डिलीवर होने की उम्मीद है। उसके साथ साथ 2 अगस्त की जो पॉलिसी है दीपाली, उसमें दरें घटने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है। एक तो मानसून के नंबर्स अच्छे हैं, खाद्य महंगाई कम है, सीपीआई रिकॉर्ड लो पे है, तो आरबीआई के पास एक रूम मिलता है कि वो यहां से जो दरें हैं उसमें कटौती करके चले। उसके साथ साथ जो बैंकिंग शेयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहेंगे क्योंकि आज से संसद का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो रहा है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें इसको संसद के सामने रखा जाएगा और उससे हो सकता है कि जो बैंकों की जो पावर्स है उसमें और इजाफा देखने को मिले। तो जो बैंक्स हैं वो हो सकता है कि जो लीडिंग रोल है इसमें कहीं ना कहीं प्ले करते हुए दिखे। आज वैसे भी गुजरात हाईकोर्ट में जो फैसला आना है आरबीआई एसआर स्टील वाले मामले का, अगर वो आरबीआई के पक्ष में आता है तो वो भी कहीं ना कहीं बैंकों को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ जो फ्लोज हैं, लिक्विडिटी की बात कीजिए, एफआईआई कई दिनों की बिकवाली के बाद अब उनकी ओर से खरीदारी के नंबर आ रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अगर आप देखें तो कई सारा पाइल ऑफ कैश उनके पास पड़ा हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स के लिए। साथ ही साथ जो ग्लोबल ट्रिगर्स हैं वो भी सपोर्टिव हैं। डाउ एसएनपी 500 शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए, जो दरें बढ़ने की संभावना है यूएस में वो अब घटती जा रही है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है उसमें कमी देखने को मिली, तो वो अपने आप में इंडियन मार्केट्स के लिए और फ्लोस के लिहाज से इंडियन मार्केट्स के लिहाज से काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नजर आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से शेयर्स इसे लीड करते हुए दिखेंगे। जैसे मैंने कहा हैवी वेट्स हैं, उनके नंबर्स आने हैं, तो आरआईएल सबसे पहला एक स्टॉक है, 5.5% का वेटेज है उनका, गुरुवार को नंबर्स आने हैं, और हो सकता है कि जब भी खराब एक नंबर्स आने की आशंका होती है तो उसमें बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले जो जीआरएम्स हैं उसको बीट करने की आरआईएल टेंडेंसी रखता है। साथ ही साथ एचयूएल, बजाज ऑटो, इनके भी नंबर्स आने हैं, अच्छा खासा वेटेज ये भी इंडेक्स के ऊपर रखते हैं। और एसबीआई, जैसे मैंने कहा बैंक्स लीड कर सकते हैं इस तेजी को, तो उसमें जो आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और 2 अगस्त की जो पॉलिसी बैठक है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है बैंकों के लिए। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक्स अपने आप में तो पॉजिटिव ट्रिगर है ही है जैसे मैंने कहा, लेकिन इसके लिए इंडिविजुअल ट्रिगर ये भी है कि आईसीआईसीआई लोमबार्ड का जो आईपीओ जिसके लिए अर्जी दी इन्होंने वो भी एक पॉजिटिव, और अरबिंदो फार्मा स्पेस में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, और आखिर में एक टीसीएस है जो कि शायद जोकर इन द पैक हो सकता है, 8.5% के आसपास का वेटेज है इसका इंडेक्स में। और इनफैक्ट दीपाली अगर आप देखें यहां पे कुछ रिकवरी का संकेत देखने को मिल रहे हैं जिसमें विप्रो कुछ पॉजिटिविटी ला रहा है बायबैक की खबरों के चलते। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आप नजर रख के चले, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं निफ्टी को 10,000 तक लेके जाने में। जी शुक्रिया आपका संदीप। इनफैक्ट इसमें आरआईएल और एचयूएल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एचयूएल इसलिए कि मैनेजमेंट की कमेंट्री अर्निंग्स के बाद स्पेशली जीएसटी रोल आउट के बाद सेकंड हाफ को लेकर क्या आती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल, ये बेल वेदर भी है तो ये काफी हद तक आगे का एक ट्रेंड भी इंडिकेट करेगा कि कैसा रह सकता है। खैर, एफएमसीजी में आज तो कुछ हद तक एक्शन है। पंकज, आपका व्यू क्या है ऑन एचयूएल, आईटीसी एंड दिस फ्रंटलाइन स्टॉक्स, कीपिंग इन माइंड कि जीएसटी किक इन हुआ है? एफएमसीजी लास्ट अगर आप 1-2 साल से देखें तो काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, स्पेशली अगर आप देखें तो रूरल साइड से उनको काफ़ी हिट हुआ है। विथ 2 कंसेक्यूटिव गुड मॉनसून्स हमें लगता है, और जो फार्म लोन वेवर हो रहा है कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम एट द हैंड्स ऑफ फार्मर्स इंक्रीज होंगे, और हमें लगता है आने वाले सालों में एफएमसीजी का जो प्रदर्शन है जो काफ़ी सबड्यूड रहा है लास्ट 2 साल से, वो यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस एज वेल एज अर्निंग्स। जी आज एसीसी के अर्निंग्स भी आने हैं। इनफैक्ट पंकज, और थोड़ी देर पहले कुछ एक्सपर्ट्स से हम बातचीत कर भी रहे थे, उनका मानना था कि सीमेंट और मेटल्स ये 2 पॉकेट हैं जिनके अर्निंग ग्रोथ इस क्वार्टर में अच्छी रह सकती है। आपका भी यही व्यू है या फिर कोई और व्यू है सीमेंट स्पेस पर स्पेशली? अगर आप हमारे पोर्टफोलियोस को देखें तो लास्ट 2-3 साल से हमारा एक नॉन कंसेंसस सीमेंट ओवरवेट कॉल रहा है पोर्टफोलियो पर, जो हमें काफ़ी हैंडसमली पे किया है। हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट 3-4 साल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल होगा। 2-3 खाली आंकड़े देखिए आप, लास्ट 5 साल में करीबन आपने 100 मिलियन टन से प्लस के न्यू कैपेसिटीज़ सीमेंट इंडस्ट्री में आए, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी प्लेयर्स की इम्प्रूव नहीं हो पाई क्योंकि ओवर कैपेसिटी सर्टेन पॉकेट्स में आ गई थी।
आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 सालों में हमारा मानना है कि 50 मिलियन टन से ऊपर का नया इंक्रीमेंटल सीमेंट सप्लाई नहीं आएगा, प्लस अगर डिमांड 5-6% से भी भरा तो यहाँ से आपको आने वाले 3-5 सालों में प्राइसिंग पावर दिखेगी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में रहेगी, प्लस विच विल लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट। तो हमें लगता है कि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको एक कमोडिटी है जहाँ पर आपको बेस्ट प्लेयर्स को खरीदना है जो बेस्ट कैपिटल एलोकेटर्स रहे हैं, जिन्होंने बेस्ट अपने कॉस्ट कर्व को संभाला है, और थर्ड इंडस्ट्री का अगर आप ओवरऑल सप्लाई डिमांड पर्स्पेक्टिव देखें तो वो हमारे फेवर में है। तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टांस सीमेंट पर काफ़ी पॉजिटिव रहा है और आने वाले सालों में हमें लगता है कि यहाँ पर अच्छे कंपनी अगर आप खरीदेंगे तो यहाँ पर पैसे बनने की गुंजाइश है। बिल्कुल, इस बीच एक बार फोर्टिस को देख लेते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर आज सेलिंग प्रेशर देख रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर के काउंटर पर आज रुझान जो देखने को मिला है वो इनफैक्ट काफ़ी कमजोरी का है। अब देखिए 153 के आसपास ऑलमोस्ट 6% नीचे ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को देखें तो बाकी काउंटर्स में उतना एक्शन नहीं है, बट फोर्टिस आज डेफिनेटली करीब 6.25% नीचे समय ट्रेड करते हुए। और एक काउंटर है जुबिलेंट फूड्स का, एक बार देख लेते हैं जुबिलेंट फूड्स को। ये इस समय 1166 के आसपास बिल्कुल फ्लैट, लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स ड्यू हैं और ये वॉलेटिलिटी दिखाता है रिजल्ट्स आने के बाद, तो ये कुछ हद तक मैटर कर सकता है इस काउंटर पर। खैर, हेल्थ केयर और फार्मा, इसमें पंकज आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इस समय? फार्मा में अगर आप देखें तो हम निवेशकों को बोल रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप एक सिप के माध्यम से फार्मा स्पेसिफिक फंड में आना है तो वैसे आ जाए, या अगर आप ओवर अ पीरियड एलोकेशन कर रहे हैं तो सिप वे के थ्रू छोटे छोटे सम्स को आप एलोकेट करते रहें, क्योंकि हमें लगता है कि नेक्स्ट 6-8 महीनों में जो वर्स्ट न्यूज़ है वो इन द प्राइस होगा। FDA रिस्क जो लूमिंग है वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिख रहा है, और सेकेंडरी जो US में प्राइसिंग प्रेशर है वो बड़े लार्ज प्लेयर्स के लिए काफ़ी घातक होगा। तो यहाँ पर एक स्टॉक पिकिंग अप्रोच की ज़रूरत है। जो कंपनियों का बेस US में लो है और जो इंक्रीमेंटली उनकी पाइपलाइन अच्छी है उन पर हम पॉजिटिव हैं, बट हमें लगता है कि फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से पैसा बन सकता है। अगर आप ये लास्ट 2 साल भी देखें तो एक डोमेस्टिक फार्मा कंपनी दिसंबर 2015 में लिस्ट हुई थी, वो अपने IPO प्राइस से करीबन 100% ऊपर है, जहाँ की पूरा फार्मा सेक्टर 30-40% नीचे है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स फार्मा में आपको मिलेंगे जहाँ स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ द सेक्टर परफॉर्मेंस है। तो हमें लगता है यहाँ पर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ले तो पैसे बनने की गुंजाइश है। सेकेंड, अगर आप देखें जो इम्पॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन टाइम करेक्ट हो रहा है, और हमें लगता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देगा, और कई सारे स्ट्रॉन्ग कंपनीज नेक्स्ट 6 से 12 महीने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। तो हमारा रुझान यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ पर अपने पोजिशंस को बढ़ाने का होगा। जी, दिलीप भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट MD प्रभुदास लीलाधर से उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर भट्ट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं और इस हफ्ते कई बड़े अर्निंग्स हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ACC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इन चारों में से कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो कि इंडेक्स को 10,000 या फिर उसके बियॉन्ड जाने में हेल्प कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें कि इस ये 3-4 को हम कन्फाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत कोशिश करें समझने की, तो मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक विल सर्टेनली कम आउट विथ वेरी गुड परफॉर्मेंस, और ओवरऑल इट कैन हेल्प इंडेक्स मूव अप। इवन हिंदुस्तान लीवर, जहां तक हम मान के चलते हैं कि इनके भी नतीजे ओवरऑल अच्छे आएंगे, लेकिन ये एक GST के पहले का जो क्वार्टर है उसमें एक प्रेडिक्ट करना कि ये पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट ठीक आ जाएंगे, बिकॉज दे आर लाइकली टू टेक अ हिट बिकॉज ऑफ द डीस्टॉकिंग विच हैपन्ड इन केस ऑफ कंज्यूमर्स एंड लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स टू। तो किसी 3-4 कंपनीज को एक बास्केट में डालना विल नॉट बी इजी एंड पॉसिबल टू डू इट। दिलीप, इन्फोसिस और TCS, इनके रिजल्ट से आपका मेन टेक अवे क्या रहा है? (clears throat)
वेल आई थिंक ये दोनों कंपनी जो हेडलाइन आईटी कंपनीज हैं उनसे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले एक दो सालों में ओवरऑल प्रेशर बना रहेगा. जो ग्रोथ की जो बात करें वो काफी म्यूटेड ग्रोथ है और जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं जो शायद डिजिटल एरियाज में होंगे वो भी शायद वो मार्जिन कैसे रहेंगे वो भी देखना पड़ेगा. लेकिन हमारे हिसाब से उनके मार्जिन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के मार्जिन के मुकाबले कम आ जाएंगे एंड दैट विल पुट प्रेशर ऑन द ब्लेंडेड मार्जिन ऑन एन ओवरऑल बेसिस. तो ये ओवरऑल एक ये दोनों कंपनीज ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस डाउनसाइड लिमिटेड है लेकिन ऊपर में भी प्रोएक्टिव रिटर्न्स देने के इतने कोई खास उसके आशा नजर नहीं आते. जी पंकज, अभी मिड कैप स्पेस में कौन सी पॉकेट्स आपको अच्छी लग रही हैं जहां पर अभी भी आपको वैल्यू नजर आ रही है नई पोजीशंस के लिहाज से? अगर ये स्पेस को देखें तो रैली काफ़ी स्ट्रांग हुई है और हमारा मानना है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए. लेकिन कई कई पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि ऑटो एंग स्पेस देखें तो आज भी जो कंपनियां हैं, जो लीडर्स हैं, जो या तो ओलिगोपॉली या मोनोपॉली स्टेटस में हैं, वहां पर वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं. सेकंड, अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स, हमें लगता है कि ये सेक्टर में एक बड़ी री रेटिंग की स्कोप, कई स्टॉक स्पेसिफिक होके री रेटिंग की स्कोप है बिकॉज चाइना का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी रियल है रिलेटिंग टू पॉल्यूशंस और उसके कारण आउटसोर्सिंग काफ़ी इंडियन प्लेयर्स को हो रहा है. थर्ड, अगर आप देखें तो रीजनल मीडिया कंपनीज, प्रिंट मीडिया और ओवरऑल मीडिया सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि पोस्ट जीएसटी हमारा ये मानना है कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज जो होंगे बिकॉज ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज काफ़ी इंक्रीज हो सकता है जो आज कोई भी एक्सपर्ट्स अपने वैल्यूएशन में नहीं डाल रहा है. तो एडवर्टाइजिंग कुड सरप्राइज अस पॉजिटिवली बोथ ऑन प्रिंट मीडिया एज वेल एज ब्रॉडकास्टिंग गोइंग फॉरवर्ड. तो वो स्पेस रीजनेबल वैल्यूएशन में काफ़ी ठीक लग रहा है. फोर्थ, अगर आप देखें तो हमें लगता है कि सीमेंट एज अ स्पेस, वहाँ पर भी मिड कैप कंपनियाँ काफ़ी ठीक ठाक वैल्यूएशंस पर हैं तो वो एक स्पेस हमें अच्छा लग रहा है. तो ये चार पांच पॉकेट्स हमें ऑप्टिमिज्म दे रहा है इन मिड कैप स्पेस, बट बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा. एक जनरल सेक्टर व्यू लेके पैसा यहाँ बनने की उम्मीद कम है. ऑलराइट पंकज, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. अब दिलीप, यू नो ई मटेरियल ऑफ निफ्टी 10,000 होता है या उसके ऊपर भी चले जाता है, वॉट एवर हैपन्स, एक दो स्टॉक जो कि की रोल प्ले करेंगे इसमें, हु कैन एक्चुअली बी द इंजन, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा ITC, इन दोनों पर क्या व्यू है आपका इस समय? मुझे लगता है ITC एक स्टॉक है जहां पर अगर आप देखें कि अगले 8 to 12 months देखो या 24 months भी देखो, इसमें हम अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ भी देखेंगे, इसमें अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे और ये एक सेक्टर है जो ये एक कंपनी है जहां पर थोड़ी बहुत री रेटिंग हो गई है लेकिन अभी इसके आगे चल के भी ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें और काफी स्टीम है और दिस कैन गिव अ रीजनेबली गुड रिटर्न. जहां तक रिलायंस का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इट हैज हैड अ गुड रन लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है जियो में और जिस तरह से अभी गैस में करने जा रहे हैं, ये दोनों सेक्टर और दोनों सेक्टर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इसके रिटर्न्स आते आते टाइम लग जाएंगे. तो ये एक सेक्टर, अब ये कंपनी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए. वी शुड वेट, वी शुड होल्ड ऑन टू इट एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट टू बाय. जी मिस्टर भट्ट, मिड कैप बैंकिंग में अर्निंग्स आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तक दो नंबर्स आए हैं, कर्नाटका बैंक और DCB. एक बैंक के नंबर्स अच्छे आए हैं और एक बैंक की परफॉर्मेंस एसेट क्वालिटी फ्रंट पर खराब रही है. इस हफ्ते कैनरा बैंक के नंबर्स भी आएंगे लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि कुछ चुनिंदा मिड कैप बैंक थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पोस्ट की थी. कैनरा बैंक उनमें से एक था, DCB बैंक उनमें से एक था. तो अभी मिड कैप बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स हैं क्या जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं? मुझे लगता है कि ये मिड कैप बैंकिंग में समथिंग लाइक साउथ इंडियन बैंक जिसके नतीजे आए काफी ठीक आए और हमको लगता है ये एक स्टॉक है जो वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी ठीक लग रहा है और स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस. फेडरल बैंक और एक बैंक है जो मिड कैप बैंक में गिना जाता है, उसके भी परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवरऑल स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस टू बी गुड. शायद इस क्वार्टर के शायद म्यूटेड आ जाए तो कोई नई बात नहीं है
लेकिन ओवरऑल एसेट क्वालिटी देखो, एनआईए इंप्रूवमेंट देखो, क्रेडिट ग्रोथ देखो, तो मुझे लगता है फेडरल बैंक ऑल्सो फिट्स द बिल वेरी वेल. जी इस बीच रोज हम आपके लिए एक ऐसा काउंटर लेकर आते हैं जहां पर अच्छा मुंह देखने को मिलता है, इंट्राडे बेसिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिलती है और फंडामेंटली भी अच्छा कॉल होता है. आज का सुपर शेयर कौन सा है ये देख लेते हैं. अंचल है हमारे साथ सुपर शेयर लेकर, लेकिन पहले तो हम ये देख लेते हैं. शुक्रवार को हमने रेकमेंड किया था भारत सीड्स, राइट अंचल, भारत सीड्स रेकमेंड किया था, उस पर देखिए आज भी अच्छा मूव है और वो इनफैक्ट आई थिंक सभी बड़े जो ऑटो मेकर्स हैं उन्हें ये सीड सप्लाई करती है, आज भी अच्छा मूव देखने को मिला है. सो दैट्स अ टॉल ऑर्डर फॉर यू नाउ. अब आज के लिए कौन सा है सुपर शेयर ये बताइए. कोशिश उसी तर्ज पे रहेगी मी, भारत सीड्स एक अच्छा फंडामेंटल कॉल था, उसी तर्ज पे आज सीमेंट स्पेसेस सांगी इंडस्ट्रीज की कॉल है सुपर शेयर के तौर पे. देखिए एसीसी के नंबर आ जाने हैं, पहला तो ट्रिगर वही बनता है, नंबर आने के बाद एक मोर और लेस बेंचमार्क तय हो जाएगा. उम्मीदें की जा रही है भाई Q1 सभी सीमेंट कंपनियों के लिए अच्छा होगा. सांगी इन पर्टिकुलर अगर आप बात करें, इसके पहले प्रीवियस नंबर्स देखिए, Q4 में कंपनी का सालाना आधार पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, मार्जिन करीब 5% बढ़ते हुए दिखे, तिमाही आधार पे कंपनी का Q4 में मुनाफा 6 गुना बढ़ा, तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स ऑलरेडी कंपनी Q4 में पोस्ट कर चुकी है. और Q1 की जहां तक रही बात, अगर आप अक्रॉस द बोर्ड कंपेयर करें सभी कंपनियों को, उन सभी कंपनियों के मुकाबले सांगी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर. ये GST स्पिरिट का दूसरा नाम है. ये सत्र भी उस GST स्पिरिट के साथ आगे बढ़े. इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है. 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं. 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है. यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है. एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मानसून सत्र पर विशेष रहेगा. जब हम मानसून सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में ही हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस ऋतु में कठोर परिश्रम करके देशवासियों के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करते हैं. तो मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे और बयान दे रहे थे. उन्होंने कहा कि GST पारित होने से एक्चुअली ये जो पूरा सेशन है इसमें एक नया जोश देखने को मिलेगा. हाँ अंचल बोलिए. बिल्कुल, तो सांगी इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे, वैल्यूएशन फ्रंट पे भी मीर काफी अट्रैक्टिव है. मौजूदा कैश EPS 3 रुपए की है, FY19 के लिए अनुमानित EPS 4 की, तो पी मल्टीपल 19.8 का. देखिए नॉर्मली लोग कहते हैं 20 के मल्टीपल के पास ट्रेड कर रहा है महंगा है, लेकिन आप सेक्टर से कंपेयर करिए 38 के मल्टीपल में, 35 से 38 के मल्टीपल में सेक्टर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी एक अच्छी अपसाइड बचती है. इसीलिए KR चौकसी सिक्योरिटीज की इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सांगी इंडस्ट्रीज में. 115 रुपए के टारगेट्स मीडियम टर्म में आपको आते हुए दिखेंगे. जी शुक्रिया अंचल आपका. तो सांगी इंडस्ट्रीज आज का सुपर शेयर 115 के टारगेट्स है, 97 पर ही ट्रेड कर रहा है 4 रुपए की मजबूती लेकर. दिलीप भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं. मिस्टर भट्ट, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से आप हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर करते रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्ट आपने जारी की है क्या मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से? ये एक स्पेस में एक IT में सोनाटा सॉफ्टवेयर हमने रेकमेंड किया है और हमको लगता है कि शायद अगर हम देखें कि ओवर नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ्स सोनाटा सॉफ्टवेयर फ्रॉम अराउंड 160 कैन गो अपवर्ड्स ऑफ 225 टू 250 के हिसाब 250 का रेंज, तो वो एक काफी ठीक लग रहा है. साउथ इंडियन बैंक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो भी काफी ठीक लग रहा है हमको. और ओवरऑल एक RPP इंफ्रा है जो इंफ्रा स्पेस में है, इट इज कोटिंग अराउंड 240-250, वो भी लग रहा है कि शायद ओवर नेक्स्ट
18 to 24 months can give a reasonably very good return in that period. जी शुक्रिया मिस्टर भट्ट, अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए.